everybody, this is Arshi Khan. Welcome to another episode of MBA with Arshi Khan. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPES देहरादून के बारे में, जो कि देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है. बहुत ब्यूटीफुल कैंपस है जो कि 44 एकर्स में स्प्रेड है, राइट फ्रॉम कैफेटेरिया टू ऑडिटोरियम टू स्पोर्ट्स टू इंडोर फैसिलिटीज, आउटडोर गेम्स, ऑल सॉर्टेड व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि ये MBA with Arshi Khan है, कोर्सेज बहुत सारा कराता है, बट मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ MBA की. वैसे जब बात UPES की होती है, दिस इज वन ऑफ द कॉलेज विच इज नोन फॉर लॉ एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बिकॉज UPES स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज. UGC अप्रूव्ड है, देन उसके बाद AIU का अक्रेडेशन है, BCI है, NAAC का अक्रेडेशन है इस कॉलेज के पास. बहुत सारे कोर्सेज कराता है, बट एज आई टोल्ड यू, यू नो, ये MBA कराता है. और अगर MBA की, तो MBA में ये कई सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, जिसमें आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं, HR कर सकते हैं, फिनेंस है, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट है, एविएशन मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल बिजनेस है, पावर मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, फैमिली बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इवेंट मैनेजमेंट एंड पब्लिक रिलेशन है. ये कई सारी स्पेशलाइजेशन है, जिसकी ऑलमोस्ट फी स्ट्रक्चर जो है वो 13 लाख के आसपास, 13.5 लाख के आसपास टोटल आपको पड़ता है. सबसे पहली चीज, व्हेन इट कम्स टू UPES, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स अ यूनिवर्सिटी नोन फॉर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग एंड लॉ. पर यहाँ का MBA कैसा है, हम वही डिस्कस करेंगे. इनटेक ज्यादा है क्योंकि स्पेशलाइजेशन बहुत सारी है. कई सारी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आपको दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट हो गया, देन फिर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हो गया, देन उसके बाद अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन, जैसे कि एनर्जी ट्रेडिंग हो गई, डिजिटल बिजनेस हो गया, इवन मैनेजमेंट एंड PR हो गया, देन ये कई सारी एविएशन मैनेजमेंट हो गया. तो ये कई सारी स्पेशलाइजेशन है जो आपको बहुत कम कॉलेजेस में मिलती है. एंड दैट इज द रीजन, अगर आप इस कॉलेज में MBA के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो मेक दिस थिंग श्योर, नहीं वेरी श्योर, कि आप ये देखो कि आप किस स्पेशलाइजेशन में जा रहे हो और उसके हिसाब से क्या प्लेसमेंट स्टार्ट है, कैसे हैं. नाउ कमिंग बैक टू द एलिजिबिलिटी एंड एडमिशन प्रोसेस, 50% इन योर ग्रेजुएशन, देन उसके बाद अगर हम बात करें, तो आपको इनका कैट, जैट, सीमैट, सारे ही एप्लीकेशन कहीं ना कहीं ये कॉलेज एक्सेप्ट करता है MBA के लिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम MBA में बात करें, तो कैट, मैट, जैट, सीमैट, एनमैट, जीमैट, सारी ही एप्लीकेशन, सारे एग्जाम्स एक्सेप्ट करता है. उसके बाद आपको इनका एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. अगर आप उस लिंक से फिल करते हो, तो यू कैन इवन गेट अ कैशबैक फॉर दोज एप्लीकेशन. तो आप चाहो तो वो लिंक का यूज कर सकते हो. देन एप्लीकेशन फिल करने के बाद यू गो विद द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, एंड देन इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होता है, जिसके बाद दे सर्कुलेट ऑफर लेटर, एंड देन यू नीड टू सबमिट द फीस. अब लोन के लिए भी कॉलेज असिस्ट करता है, बट दैट टू व्हेन यू टेक एडमिशन इनटू द कॉलेज. नाउ कमिंग टू बैक टू अ इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज कि व्हाई UPES हमको लेना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या है. तो एक्स्ट्रा करिकुलर में इवेंट्स लाइफ बहुत अच्छी है, जिस जगह पे लोकेटेड है उसके आसपास व्हेन इट कम्स टू यू नो घूमने की स्पॉट्स वो बहुत सारे हैं, एक वो एक अच्छा एडवांटेज है. कैंपस ब्यूटीफुल है, राइट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंडोर गेम्स टू आउटडोर गेम्स, अपार्ट फ्रॉम इट ऑडिटोरियम, सारी चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए जो इंफ्रा रिक्वायर्ड है वो कॉलेज के पास है. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट व्हेन यू टेक एडमिशन टू एनी ऑफ द कॉलेजेस. सो अगर हम 2020 के प्लेसमेंट स्टैट्स देखें, तो IAS पैकेज जो कॉलेज का था, दैट इज बेसिकली 18 लाख रुपीज, वेयर इज एवरेज सैलरी जो थी दैट इज 5 लाख. सो आपको एक इश्यू हो सकता है कि मुझे ROI मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बट ROI के साथ साथ अगर प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर वो एवरेज पैकेज इज नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज यू नो इतना सारा इनटेक है. इनटेक में अगर आप जिस भी कॉलेज का इनटेक देखेंगे, उनका एवरेज पैकेज आप ऑन अ वेरी हायर साइड नहीं देख पाते होंगे, क्योंकि यू नो उसमें होता क्या है कि इन्होंने ओवरऑल बताया, जहां पे लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का है, हेल्थ केयर का भी है, PR एंड मीडिया का भी है, तो उसके हिसाब से एवरेज पैकेज है. बट दैट टू 5 लाख का एवरेज पैकेज रहा है, 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज रहा है, 150+ कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, दैट इंक्लूड्स बजट पेन, अमेजोन, अडानी, एक्सेंचर, ब्लू डार्ट, क्रोमा, डेकाथॉन, डेलॉयट, ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट लेकर आई हैं यू नो UPES देहरादून के अंदर. अब ROI एक फैक्टर हो सकता है जो आपको सोचना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप UPES देहरादून के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मेक दिस इंश्योर कि आप किस स्पेशलाइजेशन और किस कोर्स के लिए ले रहे हैं, बिकॉज इट्स अ यूनिवर्सिटी ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज. उसके लिए अगर आपको और डिटेल्स चाहिए और हेल्पलाइन और हेल्प चाहिए, तो जो नीचे फॉर्म का लिंक दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर इनके 2020 के साथ साथ 2021 के भी प्लेसमेंट्स की हम बात करें, तो इस साल दे हैव स्टार्टेड देयर प्लेसमेंट्स, एंड उसमें जो एवरेज
आ रहा है अप टू जनवरी, दैट इज अराउंड 7.78, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 लाख के एवरेज पैकेज का डिफरेंस है व्हेन इट कम्स टू 2020 का एवरेज पैकेज एंड 2021 का. अभी 2021 के एवरेज कंप्लीट नहीं हुए हैं, दे हैव जस्ट स्टार्टेड विद द प्लेसमेंट्स, बट दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम 2021 में बात करें, बैच साइज है 264 स्टूडेंट्स का एंड उसके हिसाब से यू नो अभी तक एलिजिबल स्टूडेंट्स जो है वो 244 हैं एंड टोटल स्टूडेंट्स प्लेस सो फार इज 93. तो ये 93 स्टूडेंट्स के बेसिस पे जो एवरेज है दैट इज 7,78,000 व्हिच इज ऑब्वियसली ऑन अ हायर साइड एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. सो यू नो दिस वाज द प्लेसमेंट स्टैट्स. कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है. इट्स अ यूनिवर्सिटी नॉट अ बी स्कूल ऑफरिंग वेरियस कोर्सेज. आरओआई दूसरी चीज आप एक बार देखना चाहिए आपको कि आपको कितना आरओआई मिलेगा. अगर आरओआई के साथ साथ पैकेजेस अच्छे मिल रहे हैं, कंपनीज अच्छी मिल रही है, तो मुझे लगता है 5-6 लाख का पैकेज इज ऑल्सो नॉट अ बैड ऑप्शन टू गो विद. बट इस साल का जो स्टार्ट है एवरेज पैकेज का वो कहीं ना कहीं अच्छा है. तीसरी चीज कि स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहे हो और उस स्पेशलाइजेशन के लिए कितना अच्छा ऑप्शन है या नहीं. सो दिस इज़ व्हाट माय पीस ऑफ एडवाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, शेयर करना है, लाइक करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना है मेरे साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.